हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम चार्ट के बारे में जानेंगे। चार्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूं लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग है। अब देखिए, यहां पर कुछ एम्प्लॉइज के नाम लिखे हुए हैं और वही चीज इस ग्राफ में भी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, जैसे राम है फिर श्याम है, तो राम की सैलरी श्याम से कम है। ठीक है, तो इनका जो खंभा है वो नीचे है और यहाँ पे देख सकते हैं श्याम का ज्यादा है और राजू का सबसे ज्यादा है, तो सबसे ऊपर राजू का ये खंभा दिख रहा है हमें। ठीक है, इसी तरह से याशिका की सैलरी जो है वो 12,000 है, यानी राम के बराबर है, तो लगभग उसी के बराबर यहाँ पर भी ये दिख रहा है, लगभग क्या उसी के बराबर दिख रहा है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये इंक्रीमेंट जो किया गया है इसको भी इसी चार्ट में इंक्लूड कर दिया जाए, तो दो काम हो सकता है, या तो आप इस चार्ट को हटाइए, पूरा आपको हटाना पड़ेगा, और हटा करके और आपको पूरा एक बार सिलेक्शन में लेकर के तब ये चार्ट बनाना पड़ेगा। अब ये तो हमने बाद में इंक्रीमेंट किया है, इसमें कॉलम ऐड किया है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर क्लिक कीजिए, इस पूरे को कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, कॉपी हो जाएगा ये, और इस पूरे चार्ट को सेलेक्ट रखिए और आपको प्रेस करना है कंट्रोल वी। तो जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, देख सकते हैं आप, ये भी इसमें इंक्लूड हो गया और आप देख सकते हैं कि ये पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे।